थोड़ी ही देर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहाँ T20 मुकाबला खेला जाना है। मैच से पहले प्रशंसकों की यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के सबसे बड़े फैन जो कहे जाते हैं राम बाबू यहाँ स्टेडियम पहुँच चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे राम बाबू मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने उन्हें घेर रखा है। तो चलिए बात करने की कोशिश करेंगे उनसे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया से। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा धोनी तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय। इंडिया जब भी स्टेडियम पहुंचते टीम इंडिया मैच जीतती है। ऐसे में आज आप टीम इंडिया क्या करने वाली है? बस टीम इंडिया जो टीम इंडिया का ट्रेड रहता है, टीम इंडिया अपना अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, जितने प्लेयर्स को मौका मिल रहा है वो अच्छा कर रहे हैं और हम चाहेंगे, पूरा देश चाहेगा टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे। एक वर्ल्ड कप का जो प्लेटफॉर्म बन रहा है आने वाले इनकमिंग, जब अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप होगा उससे पहले हमारे खिलाड़ी तैयार हो जाए, अच्छे फॉर्म में। ODI सीरीज में अच्छा किया, शुभमन गिल ने बैक टू बैक 100 मारे, डबल 100 मारी, फिर 100 मारे। रोहित शर्मा तो नहीं खेल रहे हैं, विराट भाई ने भी 100 मारी, तो बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल अब यंगस्टर को मौका मिला है तो हम चाहेंगे स्काई भी 100 मारे, हार्दिक भी हैं, ईशान किशन लोकल बॉय, तो सब ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करे। बॉलिंग में भी जो भी जिसको मौका मिल रहा है अच्छा करे, बस ये चाहेंगे हमारी टीम अच्छी मजबूत बने और आगे जैसे आने वाली सीरीज है उसमें कब्जा। कल आप अभ्यास के टाइम भी आप स्टेडियम में मौजूद थे, उस समय आपकी मुलाकात महेंद्र सिंह धोनी से भी हुई, उस मुलाकात के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। देखो मुलाकात कहेंगे, मैं तो मतलब एक सपना देख रहा था, महेंद्र सिंह धोनी जी ड्रेसिंग रूम में खड़े हैं और मैं झंडा लहरा रहा हूँ। जैसे वो आते थे पहले टीम इंडिया में, कैप्टन थे और साथ में ड्रेसिंग रूम में रहते थे, सब प्लेयर्स को मोटिवेट करते थे, टिप्स देते थे, वैसे ही वो कल दे रहे थे। ऐसा लगा नहीं वो टीम से बाहर चले गए, सब लोग, माहौल ही बहुत अच्छा था, मतलब अलग ही था। और मैं वेविंग कर ही जा रहा था और उनकी तरफ ऐसे नज़र जाई जा रही, तो मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी। तो बट टीम इंडिया के लिए वो हमेशा सोचते हैं और मेंटोर रहे हैं, बहुत ही कैप्टन कूल रहे हैं। टीम इंडिया का इतनी ट्रॉफीज जिताई हैं, वर्ल्ड कप जिताए हैं, तो कैप्टन कूल जैसा कोई नहीं। बट इंडिया के लिए वो चाहेंगे ये मैच जीते। और हाल ही में हार्दिक पांड्या भी महेंद्र सिंह धोनी से मिले हैं और वो शोले की याद दिलाए। क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक पांड्या को टिप्स दिया होगा मैच जीतने के लिए? देखो टिप्स तो महेंद्र सिंह धोनी जरूर दिए होंगे और हार्दिक पांड्या ऐसे नहीं है टिप्स नहीं लिया होगा, क्योंकि वो उनको आइडल मानते हैं, तो उन्होंने टिप्स जरूर लिया होगा। तो बस यही है, टीम इंडिया अच्छा करे, सब यही चाहेंगे टीम इंडिया यहाँ मैच जीते। धोनी सर जो कल बता के गए हैं, कुछ सिखा के गए हैं, उसका मान रखें और टीम इंडिया सबसे पहली जरूरी है जीत। अगर पहले बैटिंग करता है तो 200 प्लस बोर्ड पे लगने चाहिए। आज कौन सा प्लेयर चलने वाला है? बिल्कुल चलने वाले हैं, ईशान किशन भी चलेंगे, स्काई 63 भी चलेंगे और हार्दिक भी मारेंगे हेलीकॉप्टर शॉट। स्टेडियम में जब शॉट लगेंगे तो आप किस तरह चेयर्स करेंगे एक बार? हमारा तो वही रहता है कि जब टीम इंडिया खेलती है बस यही हमारा एक उद्देश्य रहता है टीम इंडिया के लिए। जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत माता की जय। कम ऑन इंडिया, जब तक सूरज चांद रहेगा धोनी भारत माता की जय। कम ऑन प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।